तो फाइनली वो डे आ चुका है जब हमारा मैटरनिटी शूट होने वाला है एंड बस हम लोग रेडी हो चुके हैं और अब जाएंगे स्टूडियो पे. सो गाइस बहुत ही ज्यादा फन वाली वीडियो होने वाली है क्योंकि मम्मी लोग भी जा रहे हैं, रुस्ती भी जा रहा है, छैमा आई है वो भी जा रही है और सब कुछ हम कैप्चर करने वाले हैं बिहाइंड द सीन्स और किस तरह से हम शूट करते हैं, क्या ड्रेसअप होगा, क्या मेकअप होगा, सब शूट करेंगे. सो स्टे ट्यून्ड, बहुत मजा आने वाला है गाइस. लेट्स गो. सो गाइस वी रीच फाइनली. मेरे को अब पता चला मम्मा फर्स्ट टाइम गुड़गांव में आई है. मम्मा के लिए मैं कभी पहले नहीं जब हमारे बेबी हो जाएंगे तो जरूर आएंगे. तो जस्ट टू क्रिएट एक बहुत ही डिफरेंट सा लोगों जो बहुत डिफरेंट होता है इट इज नॉट जस्ट ड्रेसेस. वो ये होता है कि ड्रेस जो पहन रहा है वो उसको अगर मैं फील स्पेशल कराता हूँ आज इनका दिन है राइट. अगर वो एक लाइफ को बर्थ दे रही है तो मेरे फोटोज में सारा का सारा वो बताता है कि शी हैज अ लाइफ विद इन हर. उस लाइफ को मैं कैसे अपने फोटोज में कर पाऊंगी दैट इज समथिंग व्हिच आई डू एंड लेट अस डू दैट गाइस. And all I can promise is बहुत सुंदर pictures आने वाले हैं. All I want is आप लोग बस enjoy करो, posing, lighting, dresses, सारी चीजें मैं और I have a wonderful team, everyone will take care. आप लोग बस enjoy कीजिए, खाइए, पीजिए, बहुत अच्छे से and then photos ही लेने के लिए. और मुझे बहुत अच्छा लगा स्टूडियो आपका. चलो हम एक स्टूडियो आपको स्टूडियो दिखाते हैं. बहुत ही सुंदर स्टूडियो बनाया है. ये कब कब के फोटोज होंगे पर का? ये अभी ऑलमोस्ट 3-4 महीना हुआ है. सेम दिस इज ऑल्सो 3-4 महीना. वो वाले को 2 साल हुआ है उससे मैं ये वाला जो इमेज है इस पे मुझे एक इंटरनेशनल अवार्ड भी मिला हुआ है. हाँ जी, ये वाला इज ऑल्सो वेरी फ्रेश. ये वाले जो क्लाइंट्स हैं ये ऑल द वे ये लोग कुछ 3 घंटा ट्रैवल करके आए थे अपने छोटे से बेबी को लेकर. तो सब लोग ज्यादातर दूर से आते हैं आपके पास. तो अब आपको वो वाली जगह दिखाते हैं जहाँ पे हम लोगों का शूट होने वाला है. So this is the place and we are very excited. I am very excited. इसका तो मुझे पता नहीं. मैं भी बहुत excited हूँ. मैं बहुत excited हूँ. मैं बहुत ज़्यादा. कब मैं शुरू करूँ? कल रात को हम सो नहीं पाए. हम लोग actually रात को ना बात भी कर रहे थे. हम लोग बोल रहे थे यार मैं क्या पहनूंगा, क्यों मैंने कुछ कपड़े निकाले. फिर मुझे ऐसा लग रहा था कि यार ये ट्राई करे वो ट्राई करे. मैंने क्या क्या नहीं ट्राई किया. ये शर्ट के साथ कोई ब्लेजर ट्राई किया, हर चीज ट्राई किया. मैं बहुत एक्साइटेड हो गया सर गाइस. बिल्कुल आपके फैमिली के साथ हैं. वी रियली वांट योर फैमिली इज आवर फैमिली. और ये वाला जो फेज होता है ना जो प्रेगनेंसी का है बेबी का होता है ये फैमिली के साथ सेलिब्रेट किया जाता है. सो एवरीवन इज मोर देन वेल. थैंक यू सो मच. एक ड्रेस मैंने डिस्प्ले में लगाई है. इट्स प्रीटी. आई लाइक द कलर. So this is a Victorian dress, Ishwara, जो अभी हमने recently launch किया है. Okay. And this goes along with our Victorian wall. There's a very beautiful royal wall, जो यहाँ पे चल रही है. And SLD similar में we have a black wall also. In this case, हम आपके लिए करने वाले हैं जो कि बहुत ही unique और different होगा. आज वो है. मेरे लिए तो पिंक ही है सारे कलर. मेरे लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है ना वो 10 पिंक सारे. ये आप लोग ही बता सकते हैं कौन सा मतलब पिंक है कलचुरी के साथ क्योंकि जो आपका ड्रेस है ब्लू वाला वो इसके साथ बहुत ही प्यारा जा रहा है. Exactly. And, नीचे में भी फ्लावर्स आएंगे एंड आप जिस तरह से लाइट होगे मतलब इट इज लाइक हेवन एंड हेवन में आप बहुत सारे फ्लावर्स हैं एंड आप खड़े हो वो कॉन्सेप्ट है जिसमें रहने वाली हूँ.
and that's there. Those are the roller systems, if you can see. जो भी मैं largely वो seamless backdrops पे करते हैं वो सारा इसके ऊपर आता है. Okay, जो plain backdrops हैं. This is all inspired by Sabyasachi. This is Sabyasachi का design. That's a boho art. अगर कभी कोई denim में करना चाह रहा है या कोई boho look, simple casual सा look, तो वो हम वहाँ पे कर सकते हैं. And this is one of our favorite pieces. ये एक vintage door है, 100 साल पुराना दरवाजा है. अच्छा, Realme 100 साल पुराना है? जी सच्ची में. क्या बात है, मुझे लगा आपने थोड़ा मॉडिफाई करा के बनाया है. इसका मेरे में इंस्पिरेशन था, मुझे चाहिए था कि ना ऐसा मॉडिफाई करा ले. कितनी दुकानें देखी ना, दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, हर इंसान ने, सबने हाथ खड़े कर दिए जी ये नहीं बनेगा. फिर हम एक विंटेज मार्केट से कहीं से बहुत ही मुश्किल से आया है ये. करीबन इसका वजन 1 क्विंटल से ऊपर है. कितनी बार होता है लोग आते हैं, अरे ये तो पुराना दरवाजा लग रहा है, फिर जब वो पिक्चर देखते हैं अरे यही दरवाजा है. नहीं, सबसे बढ़िया, मतलब मैं अभी जब से आया हूँ ना, मेरा जो सबसे ज्यादा ध्यान लिया है इस दरवाजे ने लिया, बिकॉज ये बिल्कुल ही आउट ऑफ जा रहा है सब कुछ एकदम. सो गाइस, अब हम देखने वाले हैं क्या ड्रेसेस अवेलेबल है जिसमें हम लोग शूट करेंगे. सो हियर गोज़ द फर्स्ट वन. सो दिस इज द ड्रेस. आई लाइक दिस वन, ये बहुत प्यारा है. दिस इज, दिस पिक्चर इज वेरी ब्यूटीफुली ओल्ड रोज कलर रूम. व्हाट्स पिंक, light blue, dark blue. Okay, yeah, we can go with this one. Yeah. So guys, finally it's time to do my makeup and Sakshi is here. She'll be doing my makeup. मैंने इनका actually देखा Instagram profile और इसका link भी मैं description में डाल दूंगी, आप लोग भी check out कर सकते हो उनका work. आप कौन कौन से makeup करते हो? We do basically party makeups, bridals, everything. हाँ, मैंने आपका ब्राइडल लुक देखा था. इट वॉज वेरी प्रिटी. सो या, लेट्स स्टार्ट विद द मेकअप. थैंक यू. ऑल्सो मीट प्रीति हेयर, शी विल बी डूइंग माई हेयर. शी इज द हेयर आर्टिस्ट टुडे. सो आई एम वेरी एक्साइटेड एंड देखते हैं अभी बिफोर ऐसा लुक है एंड आफ्टर हम लोग देखते हैं कैसा लुक आता है. सो गाइस, यहाँ पे चल रहा है मेकअप. इससे क्या होता है थोड़ा लुक एनहांस हो जाता है. ठीक है, मतलब क्योंकि हमने आई मेकअप बहुत सॉफ्ट एंड न्यूट्रल रखा है ना, तो हम सोचे थे ये तो लगा सकते. हाँ, ये बहुत ही हल्की है. Here's the final look. My hair and my makeup is done. एंड आप लोग प्लीज़ कॉमेंट में बताना कैसा लगा आपको मेरा मेकअप. मैंने बहुत ही सॉफ्ट और न्यूड लुक रखा है काफ़ी. एंड साक्षी, थैंक यू सो मच. एंड प्रीति, थैंक यू सो मच. साक्षी, आप द अपॉर्चुनिटी. आप प्लीज़ हमारे व्यूअर्स को बताइए कि अगर किसी को आपसे कॉन्टैक्ट करना हो, मतलब आप कहाँ कहाँ तक सर्विस देते हो, कौन कौन से लोकेशन? वर्क वर्ल्ड वाइड, ऑल्दो आई एम पश्चिम बिहार बेस्ड, बट यू कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल, दैट इज साक्षी खुराना _ हेयर एंड मेकअप. एल्स आई कैन इवन शेयर माई कॉन्टैक्ट डिटेल्स, दैट इज ऑलरेडी प्रोवाइडेड ऑन इंस्टाग्राम. तो वहाँ पे आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हो या डीएम कर सकते हो. और इनका लिंक भी मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में. आपने इनका वर्क तो देख लिया, मुझे बहुत पसंद आया और बहुत ही प्यार से मेकअप करते हैं. थैंक यू. सो आप प्लीज, अगर आपको भी चाहिए ऐसा मेकअप लुक, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो साक्षी. थैंक यू सो मच. एंड प्रीति ने किया मेरा हेयर, एक बार मैं पीछे से दिखा देती हूँ. So that's all. तुम्हारा क्या नानू? मैंने खुद ही तुम्हारा हेयर किसने किया है? मैंने खुद ही किया है, थोड़ा बहुत तुमने हेल्प किया है, बाकी मैं कोई क्रीम लगा के आधा घर से उसके बाद मैंने कुछ लगाया नहीं है. सनस्क्रीन में किसी के पास मैं पूछ रहा हूँ तुमसे. सनस्क्रीन है आपके पास? सनस्क्रीन तो नहीं है. तो मैंने गाइस एक क्रीम लगा रखा चेहरे पे, दैट्स इट. चलो कोई बात नहीं. तुम क्या बोल रही? डर लगेगा चेहरा, मेरा डर लगेगा चेहरा बोल रही है. लाइट पड़ते इस चेहरे में ना एकदम से रोशन आ जाता है. नाम रोशन है मेरा, देख रहे हो? देखो तो लाइट पड़ते गाइस, देखना ये देखो, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है ना, बस यही चाहिए. यस. तो गाइस लंच टाइम हो गया शुरू. नमस्ते, लंच टाइम. बहुत भूख लगी है गाइस एक्चुअली. तो गाइस अब थोड़ा खाना वाना खाएंगे, फिर पूजा, फिर करेंगे काम दूजा. और ये रहा खाना, खाना शुरू कर दिया सबने. ये आ गई.
क्या कर रही हो मामा? ये मेरा बरात वाले देखते क्या मेरा खोल से कोई खोल के दिखाओ ना, अपना खोल यार, मेरा क्यों खोल रहा है? मेरे खाने के चक्कर में था रौनक, मैंने बचा लिया अपना। थैंक यू गर्ल, खा लिया। सो गाइस, दिस इज माय फर्स्ट आउटफिट और बेसिकली ये ड्रेपिंग है, तो आपको अभी इतना समझ नहीं आएगा कि क्या लुक है, बट जब फोटोज आएंगे तो आपको जरूर समझ आएगा कि इसका बड़ा ही प्यारा और बहुत ही सॉफ्ट एलिगेंट सा लुक आता है। एंड रोशन अभी है नहीं, रोशन अभी गया रेडी होने। सो गाइस, ये मेरा लुक है, पूरा ऊपर से नीचे तक दिखाओ कैमरामैन, कैमरामैन फोकस करो ढंग से। यस, मेरे को जाना है, आपको नहीं जाना है? अभी नहीं जाना, मुझे थोड़ी देर बाद जाना है। तो गाइस, हमेशा की कहानी, मेरे बाल सेट नहीं हो रहे, मैंने सिर्फ एक क्रीम लगाया हुआ है, बाकी और मेरे साथ कुछ भी, मेरे टचअप वचअप कुछ भी नहीं करवाया तुमने। तुमने ऐसा क्यों किया कि मेरे टचअप नहीं हुआ, आपका टचअप हुआ, ऐसा क्यों? ऐसा कुछ नहीं है, तुम नेचुरली अच्छे लगते हो ना, इसलिए। मेरे को बेवकूफ तो नहीं बना रहे थे ये बोल के? नेचुरली अच्छा लगता। सो गाइस, आप लोग बताना मैं नेचुरली अच्छा लगता हूँ या मेरे को बेवकूफ बना रही है। सो गाइस, मेरे साथ कुछ ऑडियंस आए, मैं उन लोगों से थोड़ा पोल लेना चाहता हूँ कि मैं कैसा लग रहा हूँ, तो वन बाय वन बताना शुरू करना। अच्छा लग रहा है लुक, बताओ सही। बहुत बढ़िया लग रहा है एकदम। आज रोशन भाई ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी, अपना ब्लेजर। गाइस, मैं अपना ब्लेजर लाना भूल गया, मैं जल्दबाजी में, ये मेरे इसने बोला कि लेट नहीं पहुंचना और जल्दी जल्दी के चक्कर में ब्लेजर लाना भूल गया मैं, बहुत ही बड़ा। वो मैंने सब सेट कर लिया था एक्चुअली, बस मैंने ब्लेजर को अंदर रख दिया था क्योंकि उसमें डस्ट। बहुत बड़ी गलती कर दी गाइस, मैंने ब्लेजर लाना भूल गया मैं, अब कोई दिक्कत नहीं है। गाइस, यहाँ शूट शुरू हो चुका है। देखो मम्मी लोग वहाँ बैठे हुए हैं। गाइस, लाइट का बहुत बड़ा खेल है, अगर लाइट अच्छा होता तो व्लॉग बहुत अच्छा बनता है। जैसे लाइट अपने चेहरे पे लगा के रखा हुआ है मैंने, और कोशिश है कि मैं वैसे ज़्यादा शूट इसी का ही होना है, मेरा क्या ही शूट होना है आपको पता ही है, मैक्सिमम शूट इसी का ही होना है। सो गाइस, ये रहा, देखो भाई अभी गिरा देता है ये। दोस्ती, तेरे को पैसा पे करना पड़ेगा अगर गिर गया तो, जस्ट रह गया, बच गया तू। सो गाइस, प्रॉपर शूट चल रहा है अभी वाइफ का। जितना उसके लाइक चाहिए इस वाले वीडियो में, और प्लीज सब्सक्राइब और चैनल अगर आप नए हो तो। कुछ करी थी थोड़ा सा, आगे आओ, आगे आओ। वो हैंड शोल्डर पे रखो, ये हैंड बेबी बम्प पे रखो, ऊपर ऊपर, नाइस, शोल्डर्स रोल बैक स्ट्रेट, गुड। और हर जैसा एवरीथिंग इज परफेक्ट, बस रोशन एक स्टेप दो स्टेप और इधर आ जाओ, आप भी इनके साथ आ जाओ, और आ जाओ एक बार, आ जाओ बस, ठीक है, गुड। ऐश्वर्य, आप यस सेटल हो जाओ, नाइस, गुड। आप रोशन जस्ट गेट द शू आगे, हाँ, shoulders roll back, stretch up tall. Oh, that's good. Nice. Russian head seat है आपका. Oh, that's perfect. एक छोटा सा flick आपका forehead पे आ रहा है, वो style है क्या? कुछ style नहीं, यहाँ पे सब natural चल रहा है. ठीक है. Let's do a nose to nose touch. Okay. On a count of 1, 2, and 3. कुछ एलिमेंट नहीं ऐड कर रहा है।
आराम से उठे ना क्षमा रो क्यों रही हो आप इमोशनल क्यों हो गए क्षमा रोने का मन क्यों रो रही हो आप लेकिन दोनों को देखकर बहुत रोने का ये खुशी के आंसू है ना तुझे भी रोना आ रहा है तुझे तो मैं सॉरी आमा तब लगा उसको लाग दे चाहे सुबह जल्दी उठे हो चलो कोई नहीं सो गाइस वहाँ शूट चल रहा है अरे एक एक जड़ लेके दोनों को बांध देते गठबंधन की तरह टाइट बांधा वो देखना कि नहीं लग रहा है सब टाइट बांधा हुआ गाइज मेरे सिर्फ दो बार फोटो शूट हुए और ऐश्वर्या के 400 बार हो चुके हैं ऑलरेडी फीलिंग सैड सो गाइज आई थिंक फर्स्ट ड्रेस कंप्लीट हो गया हमारा फर्स्ट कंप्लीट हो गया और काफ़ी सारे फोटो खींचे बरका ने बस एक और ड्रेस रह गया ब्लू वाला जो शो में दिखाया था वो ड्रेस और मैंने फोटोज देखे बहुत ही प्यारे फोटोज आए और आप लोगों के लिए वो डालेंगे हम लोग जल्दी अपने चैनल में इंस्टाग्राम पे भी आएगा यूट्यूब चैनल में भी आएगा एंड उसमें फर्स्ट टाइम बेबी बम्प भी दिखने को मिलेगा आप लोगों को तो गेट रेडी फॉर बेबी बम्प एंड तुम्हें कैसा फील हो रहा है फोटो शूट करा के फीलिंग गुड थक गई मैं सो मेरी बीवी बहुत ज़्यादा थक गई है और थकने के अलावा एक ही पोज में बना वो खड़ा रहना पड़ता है ना वो दिक्कत वही ना और एक्साइटमेंट जो आप सोए नहीं हो रात में वो एक्साइटमेंट आपका कैसा जा रहा है मज़ा तो आ रहा है यहाँ कुछ लोग हमारे साथ आए वो सोने की तैयारी पे जैसे मेरी माँ बोलते जब प्रेग्नेंट होती है ना बहू तो सांस में भी सिम्टम्स आ जाते हैं पति में भी आ जाते नींद बहुत आ रही है देवर भी हो गया देवर भी फोटो शूट कराने वाला है देवर का पेट बाहर आ गया देवर का पेट बाहर आ रहा है उसको तेरा भी करवा दूं क्या एक करा दे तो चेंज करके आता हूं कि बिकॉज़ ऐश्वर्या ने चेंज कर लिया मैं चेंज करके आता हूं मैं आप लोगों को दिखाता हूं सबसे बढ़िया चीज देखो मेरी माँ देखो मेरे शर्ट को प्रेस कर रही है बताओ देख रहे हो सब इतने सपोर्टिव फैमिली है ना क्या बताऊं भाई लाइट लेके घूम रहा है माँ यहाँ प्रेस कर रही है ना क्षमा हमें चीजें खिला रही है कितने प्यारे लोग हैं वाओ कितने क्यूट हो आप मैं चेंज करके मिलता हूँ सो गाइज आप लोगों को तैयार होकर मिलूंगा मैं नेक्स्ट व्लॉग में और आप लोग सोच रहे होंगे क्यों बिकॉज अभी तक जो हम लोगों ने शूट किया वो 1.5 घंटे का शूट किया और अभी हमें उसे एडिट भी करना है तो आपको पता है 1.5 घंटे की वीडियो एडिट करने में बहुत ही लंबा व्लॉग बन जाएगा सो हम लोग क्या कर रहे हैं इस वीडियो को यहीं खत्म कर दे रहे ऐश्वर्या जो नेक्स्ट 3 ड्रेस जो सबसे ब्यूटीफुल ड्रेस है ना जो मुझे बहुत ही बढ़िया लग रहा है वो आएगा नेक्स्ट व्लॉग में सो सॉरी फॉर दैट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल और बेल आइकन भी दबा दिया करो जिससे आपको नोटिफिकेशन जल्दी जल्दी मिल जाए एंड थैंक यू सो मच एंड टाटा बाय बाय लव यू